वेल फ्रेंड्स, आपने भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और उसके रिजेक्शन का मैसेज आपको मिल चुका है या फिर कार्ड डिक्लाइन का मैसेज आपको मिल चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने जो कार्ड अप्लाई किया रिजेक्ट हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो आपके पास में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है कि दोबारा से आप रीअप्लाई करो या ना करो, और जिस कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया था वो डिक्लाइन हो गया उसका एप्लीकेशन, तो फिर से उसका अप्रूवल कैसे मिल सकता है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी न्यू ऑफर्स या अपडेट आते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड हो या कोई कैशबैक ऑफर वगैरह भी आता है, उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाती है, तो मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आप सभी का और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड के रिजेक्ट होने के कारण और उसको फिर से अप्रूवल कैसे लिया जा सकता है, उसे समझने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के आपके पास में तो दो ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर वन, कि आप घर बैठे जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर इस मेथड को 2 से 3 बार ट्राई कर लिया है लेकिन फिर भी आपको अप्रूवल नहीं मिला है, तो आप सेकंड मेथड को भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए आप अपने नजदीकी ब्रांच में जा सकते हैं और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको आरएम मिला हुआ है, बहुत सारे एक्सिस बैंक अकाउंट होल्डर को इस साल जो है आरएम मिले हैं, मुझे भी इससे पहले जो है एक्सिस बैंक की तरफ से आरएम पहले नहीं दिया गया था, लेकिन इस साल जो है मुझे आरएम मिल गया है। ये आपका एक पर्सनल असिस्टेंट होते हैं जिससे आप जितनी क्वेरी वगैरह होती है आपका बैंक रिलेटेड, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड मेथड में आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, रिजेक्ट वगैरह हो गया है, तो आप इस सेकंड मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप चाहो तो अपने आरएम के थ्रू क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करवा सकते हो या फिर आपके नजदीक में कोई ब्रांच है तो वहां पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो इंस्टेंट ही आपसे ले लेते हैं। चाहे आप अपने आरएम के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको जो रेफरेंस नंबर मिलता है तो आप उनसे टाइम टू टाइम कॉन्टेक्ट करके उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की नीड है वो पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। उसके अलावा आप ऑफलाइन भी अप्लाई करते हो तो जो भी उनको बेसिक्स नीड्स होती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले लेते हैं। अगर एजेंट वेरिफिकेशन भी होती है तो वो सारा चीज भी हो जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है, भले ही आज के टाइम में मतलब कि वीडियो की वैसे एक ऑप्शन आ चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें जो है पेंडिंग रह जाती है, जिस कारण से आपके क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं आपने ऑनलाइन, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन अप्लाई करने पर अप्रूवल नहीं मिलते हैं, बहुत लोगों को इंस्टेंट ही अप्रूवल मिल जाता है। जैसे कि मेरे केस में ही ले लीजिए, मैंने 2 क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए थे, मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर मिले हुए थे, मैंने जैसे ही अप्लाई किया इंस्टेंट ही मुझे क्रेडिट कार्ड की लिमिट शो कर गया, क्रेडिट कार्ड का वर्चुअल कार्ड शो कर गया, सब कुछ मुझे इंस्टेंट ही शो कर गया था। फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मैंने अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन के थ्रू मैंने अप्लाई किया, इंस्टेंटली मुझे वहां पर सारी चीजें देखने को मिल गया कि मुझे कितनी लिमिट मिल रही है और इसका स्टेटस वगैरह क्या है, कार्ड का जो वर्चुअल कार्ड था मुझे इंस्टेंटली मिल गया था, सब चीज मुझे इंस्टेंटली मिल गया था। तो ऑनलाइन अप्लाई करना भी बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करके भी क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है और ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ उनके लिए है जिन्होंने 2 से 3 बार क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है लेकिन फिर भी उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो ये सेकंड मेथड को यूज कीजिए आप, यानी आप अपने आरएम के थ्रू अप्लाई कर लीजिए या फिर आप ब्रांच में विजिट करके अप्लाई कीजिए, तो आपके जो अप्रूवल के चांसेस है ना 99.9% हो जाएंगे। बट यहाँ पर अगर आप दूसरे मेथड को यूज करते हैं तो उसके लिए एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास में इनकम डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप कहीं पर सैलरी बेस पे काम करते हैं तो आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो वो आप अपनी सैलरी स्लिप भी उनको दे सकते हैं इनकम डॉक्यूमेंट्स के लिए, या फिर आपका कोई बिजनेस वगैरह है, छोटा मोटा दुकान पे भी काम करते हैं तो आप ITR मस्ट फाइल कीजिए और ITR जो लेटेस्ट वाला आपका होगा वो उन्हें प्रोवाइड कीजिए इनकम डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिससे क्या होगा कि आपके अप्रूवल के जो चांसेस हो गए या फिर कहें तो आपको जो अप्रूवल है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये सारा मेथड जो है मेरे खुद फ्रेंड ने यूज किया है और उसने मेरे साथ ये सारी चीजें डिस्कस की है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो आप भी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर करके परेशान हो चुके हैं तो सेकंड मेथड जो है यूज कीजिए, अप्रूव हो जाएगा।
लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं और आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसके लिए अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत सारे यूजर्स को जो है फेस्टिवल सीजन के कारण अप्रूवल मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का यह शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।